यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 23 मार्च को चुनाव होना है। इस चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने विधायकों की लखनऊ में मीटिंग बुलाई, लेकिन पार्टी अध्यक्ष की इस मीटिंग में सिर्फ 40 विधायक ही पहुंचे, जबकि अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह समेत 7 विधायक नदारद रहे। दरअसल समाजवादी पार्टी बीएसपी के उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर को राज्यसभा भेजने के लिए वोटों की गिनती में लगी है। इसी सिलसिले में गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप की तरफ से होटल ताज में आज शाम डिनर का भी आयोजन किया गया है। इस डिनर में एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, आरएलडी सहित सभी निर्दलीय विधायकों को न्योता दिया गया है। इस डिनर में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और रघुराम प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को भी इन्वाइट किया गया है। हालांकि शिवपाल और राजा भैया के पहुँचने पर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों की माने तो शिवपाल सैफई चले गए हैं और इस डिनर में शामिल नहीं होंगे। इस बीच कहा जा रहा है कि बाबागंज से निर्दलीय विधायक विनोद सरोज इस डिनर में शामिल होंगे। विनोद सरोज राजा भैया के करीबी माने जाते हैं। यूपी में राज्यसभा के लिए 10 सीटों के लिए चुनाव होना है। मौजूदा स्थिति में बीजेपी के 8 प्रत्याशियों की जीत तय है, जबकि सपा अपने एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेजेगी। बाकी बची एक सीट पर बीजेपी के अनिल अग्रवाल और बसपा के भीमराव अम्बेडकर के बीच मुकाबला है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।